और बच्चा लो कैसे हो। आज लाई हूँ एक नई सी रेसिपी, इसे ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। आज बनाएंगे रोज कुकीज। रोज कुकीज जो क्रिसमस के टाइम पर खास तरीके से बनती हैं। ये इतनी क्रिस्पी होती हैं, इसकी आवाज सुन लीजिए, है ना बड़ी क्रिस्पी सी कुकीज। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक मैंने बोल लिया है, यहाँ पर ले लिए छन्नी और यहाँ मैंने एक कप चावल का आटा लिया है। आधा कप ले रही हूँ पिसी हुई चीनी, आधा कप ले रही हूँ मैदा। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो घर में हमें आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़े से मैं डाल रही हूँ काले तिल, अगर हैं आपके पास तो इसमें जरूर डालिए। अब 250 ml मैंने लिया है नारियल का दूध। ये कैसे बनाया है, पहले आपको मैंने इसकी रेसिपी दे रखी है कि नारियल से, ताजे नारियल से हम दूध कैसे बनाएं, उसका बुरादा कैसे बनाएं। तो आज हमें चाहिए नारियल का दूध, तो हम इसे उसी दूध को यूज़ करेंगे। उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगी, कैसे बनाते हैं हम कोकोनट मिल्क। बाय चांस आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है या नहीं बनाना चाहते तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। ये 250 ml कोकोनट मिल्क है। इसे धीरे धीरे इसमें मिक्स कर दीजिए। अब जो ज़रूरत पड़ रही है, मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ। इसका मिश्रण मुझे ऐसा चाहिए, मैं दिखाती हूँ आपकी इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये देखिए। हम चम्मच को उल्टा करें तो पीछे एक कोटिंग है अच्छी सी, बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। इस कुकी को बनाने के लिए खास तरीके का ऐसा मोल्ड होता है, इसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। ये आपको आराम से मार्केट में भी मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। क्रिसमस के टाइम, न्यू ईयर के टाइम हर घर में बहुत सारी ये कुकीज बनती हैं। अलग अलग टाइप के मोल्ड भी मिलते हैं। पुराने जमाने में ये मोल्ड नहीं मिलते थे, ये आयरन के मिलते थे। तब उस आयरन वाले मोल्ड को हम सारी रात ऑयल में, ऑयल रिफाइंड ऑयल में डाल के रख देते थे, तो काफ़ी ऑयली सा हो जाता था। लेकिन आजकल ये हमें नॉनस्टिक मिलता है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे पहले देख लीजिए। सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल रख रहे हैं और ये जो मोल्ड है उसे हम गरम ऑयल में डालेंगे और इसे देखिए इस तरीके से डालकर ऐसे टच करना है, बस पूरा नहीं डालना है। यस, अब गरम ऑयल में इसे यूं छोड़ना है, मतलब हाथ में आपके होना चाहिए वो स्टैंड, छोड़ना नहीं है। बस धीरे धीरे देखिए ये ऑयल में नीचे कुकी गिर जाएगी अपने आप, ये डिज़ाइन वाली कुकी इस तरीके से बनती चली जाएगी। अब जब हमें दूसरा बनाना है तब भी हमें गरम ऑयल से इसमें डिप करना है इसी तरीके से। यस, पहले आपने कभी बनाई है, अगर बनाई है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। बिल्कुल इसी तरीके से मिश्रण में डालना है इस मोल्ड को और ऑयल के अंदर इसे छोड़ते जाना है। जब भी आप इस मोल्ड को मिश्रण में डालेंगे तो ऑयल में डिप होना चाहिए। ये देखिए कितनी आसानी से बनेंगी और एक कप चावल के आटे से बहुत सारी कुकीज बनकर तैयार हो जाएंगी। कितनी सुंदर लग रही है ना ये डिज़ाइनर कुकीज, ये मार्केट में बहुत महंगी भी मिलती हैं, घर में आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब इसे धीरे धीरे पलटते भी जाइए। आप इन्हें कलरफुल भी बना सकते हैं अगर आप कलर डालना चाहें तो, बीट रूट का कलर डाल सकते हैं। इस तरीके से गोल्डन कलर होने पर इसे निकालते जाइए और जब आप कुकी को निकाल रहे हैं तो उल्टा करके ही निकालिए, जिससे पूरा ऑयल नीचे छन कर आ जाए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना कुकी। अब इस कुकी को उल्टा कर दीजिए और उल्टा करने के बाद ही इसे निकालते जाइए, तेल झाड़ते हुए निकालते जाइए। इसी तरीके से फिर से आप कुकी बनाते जाइए, ढेरों कुकी बनकर तैयार हो जाएंगी। ये लीजिए ढेर सारी कुकी बनकर तैयार हुई है। तैयार हो गई ना ये कुकी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, इतनी कि मज़ा ही आ जाए। इसके ऊपर चाहे तो पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप बच्चों क्या करेंगे, आपको करना है एक लाइक। अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को भी।